नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम कंपेयर करने वाले दो कारों को, एक होगी मारुति की डिजायर और एक होगी होंडा मेज। जी हां दोस्तों, एक ही प्राइस रेंज में लगभग ये दोनों गाड़ियां आती है। ऑटोमेटिक के दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल होते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि यार मारुति की गाड़ी ले लें क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगहों पर उसके शोरूम्स होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, तो बेटर आपको सर्विसेज वहाँ से मिल जाएगी, या फिर होंडा मेज ली जाए क्योंकि होंडा की रेपुटेशन एक अलग लेवल पर है, फिर डिजाइनिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सर्विसेज भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। सो हम बेसिकली आज दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों गाड़ियों में बेटर परफॉर्मर कौन सी है जो आपको लेनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्या चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही है, कितना आपको खर्चा आने वाले, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर प्राइस की, तो हमने जो लिया है मैनुअल ट्रांसमिशन में दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने का सोचा है। जैसे डिज़ायर का जो टॉप एंड वेरिएंट ZXi हो जाता है, ZXi प्लस हो जाता है, वो आता है 8.40 लाख रुपीज़ में। वहीं पर अगर आप बात करें होंडा अमेज की, इसका टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में जो कि होंडा अमेज VX पेट्रोल है, वो आता है 8.01 लाख रुपीज़ का। सो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, साथ ही में ऑटोमेटिक में क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बताते रहूँगा। जैसे कि मारुति सुजुकी डिज़ायर जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको AMT में मिल सकती है अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं। वहीं पर होंडा में आपको CVT ऑप्शन देता है, और लगभग इसी का CVT आप सेम वेरिएंट में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लगभग 52 से 55 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा पे करने होते हैं सिर्फ। जबकि CVT जो मारुति देता है, जैसा कि आपने देखा होगा बलेनो में, वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपये तक ज़्यादा देने पड़ सकते हैं CVT लेने के लिए, सेम वेरिएंट में CVT ट्रांसमिशन लेने के लिए। बट अमेज जो है अपना CVT 52 से 55 हज़ार रुपये महंगा रखता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की, कि बाहर से देखने में गाड़ी कैसी है, डायमेंशंस क्या है, लंबी कौन सी ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा लेगरूम व्हील बेस आपको मिलने वाला है। सो अगर लेंथ देखें दोस्तों दोनों गाड़ियों की, तो दोनों गाड़ियों की लेंथ होती है 3995 mm, यानी कि दोनों गाड़ियां लगभग 4 मीटर की होती हैं, 4 मीटर से 5 mm कम कह सकते हैं, बराबर लेंथ की दोनों गाड़ियां होती है। सो आपको लेंथ के मामले में तो बराबर हो गई। सो अगर दोस्तों विड्थ की बात करें तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, डिज़ायर 1735 mm की विड्थ इसमें मिल जाती है, वहीं होंडा अमेज में आपको 1695 की मिलती है, यानी कि थोड़ी सी कम चौड़ी होने वाली है। बट कितना अंदर के एरिया में आपको फ़र्क पड़ेगा वो आगे पता चलेगा। हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ी सी ज़्यादा हाइट में भी आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जैसे इसकी हाइट है 1515 mm, वहीं पर अगर आप देखिए अमेज में आपको मिलती है 1501 mm, यानी कि लगभग 14 mm ज़्यादा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट आपको मिल जाती है डिज़ायर में, जो कि ज़्यादा हेडरूम आपको प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि सर से लेकर के कार की छत तक का एरिया। बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में बिल्कुल होंडा अमेज थोड़ी आगे निकल जाती है, 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिल जाता है, यानी कि 17 सेंटीमीटर का। वहीं बात करें डिज़ायर की, तो 163 यानी कि 163 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस आपको इसमें मिल पाता है। बट जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि सुजुकी डिज़ायर में जो है काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं, थोड़े से ज़्यादा टाइट ये होते हैं, तो बैठने के बाद जब 5 लोग बैठ जाते हैं उसके बाद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, धक्के समझ में नहीं आएंगे, ना ही आपकी गाड़ी किसी बम पर टकराने वाली है नीचे से। अब जैसा कि दोस्तों हमने देखा था लेंथ दोनों गाड़ियों के समान है, लेकिन व्हील बेस में खासा अंतर देखने के लिए मिलता है। व्हील बेस आपको मिलेगा डिज़ायर में 2450 mm का, वहीं व्हील बेस की बात करें होंडा अमेज की, तो 2470 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर ज़्यादा व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है, दोनों गाड़ी को अगर साइड से देखें तो सामने का चक्का और पीछे के चक्के दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको व्हील बेस कहा जाता है। अब व्हील बेस जितना ज़्यादा लेगरूम आपको उतना बढ़िया मिलने वाला होता है। लेगरूम मतलब आपका, अगर आप पीछे की सीट पर बैठ रहे हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं, पीछे की सीट पर बैठ रहे हैं तो आपके घुटने से लेकर के सामने वाली सीट का एरिया, ये जितना आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा पीछे वाली सीट से सामने वाली सीट के बीच में जो एरिया मिलेगा उसे लेगरूम कहा जाता है। तो ये एरिया आपका बढ़ जाता है अगर आपकी गाड़ी का व्हील बेस ज़्यादा है। वेट के बारे में बात करें तो हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा हैवी आपको होंडा अमेज मिलने वाली है। हालांकि होंडा का जब विज्ञापन आया था तब उन्होंने कहा था कि भाई हमने जो इंजन है उसको काफ़ी हल्का बनाया है ताकि आपको ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी मिले, बट यहाँ पर सुजुकी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा भारी गाड़ी होती है। 880 किलोग्राम से लेकर के 915 किलोग्राम तक का वेट आपको डिज़ायर में मिलेगा। वहीं पर अमेज की बात करें तो 924 किलोग्राम वेट उसका होता है। दोस्तों बात करें गाड़ियाँ देखने में बाहर से कैसे लगेगी, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कलर्स क्या क्या अवेलेबल है। डिज़ायर के कलर की बात करें तो आपको 5 से 6 कलर की अवेलेबिलिटी, एक तो होता है आर्कटिक वाइट, दूसरा होता है शेरवुड ब्राउन, तीसरा होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू, चौथा होता है फिनिक्स रेड, एंड पांचवा होता है दोस्तों मैग्मा ग्रे, और एक और भी कलर इसमें अवेलेबल होता है प्रीमियम सिल्वर। वहीं पर बात करें अगर होंडा अमेज की, तो इसमें भी आपको 6 कलर देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है सिल्वर, दूसरा होता है ऑर्किड वाइट पर्ल, तीसरा होता है मॉडर्न स्टील मेटालिक, चौथा होता है गोल्डन ब्राउन मेटालिक,
पांचवा होता है रेडिएंट रेड और छठवा होता है दोस्तों लुनार सिल्वर। तो ये छह कलर आपको इसमें भी मिल जाते हैं। बात करें इनके बॉडी टाइप की तो दोनों सेडान गाड़ियां होती है। कंफर्ट में बाहर से देखने में कैसी हम ये देख रहे हैं, देखिए एडजस्टेबल हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स फ्रंट में आपको मिल जाएंगे दोनों गाड़ियों में। देखिए दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको दोनों गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिल रही है जो कि खासी अच्छी बात है, क्योंकि रिम का मतलब जो स्टील व्हील्स होते हैं वो हाँ ठीक होते हैं, बट अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज तो थोड़े ज़्यादा बेकार ही माने जाएंगे अलॉय के मुकाबले, क्योंकि अलॉय जो होते हैं ज़्यादा कड़क आप उसे कह सकते हैं, टूट जाते हैं लेकिन मुड़ते नहीं है, ख़राब डिफॉर्म नहीं होते। बट रिम जो होते हैं अगर आपने गाड़ी पंचर करने के बाद भी चला ली थोड़ी दूर, गाड़ी आपकी मान के चलिए कहीं पर पंचर हो जाती है आपने चला ली, तो रिम खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि अलॉय व्हील्स उसे काफ़ी समय तक झेल लेते हैं। एक चीज़ आपको एक्सटीरियर पर दिखेगी मारुति डिजायर की जो कि होगा पावर एंटीना, जबकि आपको अमेज पर वो नहीं दिखेगा, उसकी जगह पर आपको शार्कफिन एंटीना दिखेगा दोस्तों। बाकी जो क्रोम ग्रिल आपको अमेज में मिलता है, एक छोटा सा एक सिंपल सा फ्लैट पट्टा आपको मिल जाता है क्रोम का, वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर। डिज़ायर भी बाकी पीछे नहीं है, उसमें भी जो फ्रंट ग्रिल होती है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, बट होंडा अमेज यहाँ पर विनर हो जाती है। तो दोस्तों और बात करें हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर मारुति सुजुकी में देखिए आप, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि होंडा अमेज में आपको अभी भी हेलोजन हेडलैम्प दिए जा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सुधार सकता है होंडा, क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आजकल सभी गाड़ियों में अवेलेबल होने चाहिए होते हैं। साथ ही आपको डिज़ायर में डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल जाते हैं जो कि होंडा अमेज में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बैकवर्ड चली जाती है हमारी होंडा अमेज, यहाँ पर थोड़ी सी आगे निकल जाती है मारुति सुजुकी। इसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, ये तो एक्सटीरियर की बात हुई, बात करते हैं अभी इंजन की कि इंजन क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर के इंजन होते हैं, जहाँ पर आपको डिज़ायर में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, वहीं पर आपको IVTEC पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का मिल जाता है होंडा अमेज में। दोनों के डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम है, 1197 सीसी का डिस्प्लेसमेंट आपको सुजुकी डिज़ायर में मिल जाता है, वहीं पर 1199 सीसी का डिस्प्लेसमेंट IVTEC पेट्रोल इंजन में मिल जाता है जो कि होंडा अमेज में लगा हुआ है। पावर जनरेशन की बात करें दोनों गाड़ियाँ 88.50 BHP की पावर जनरेट करते हैं। हाँ टॉर्क में थोड़ा सा फ़र्क है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मारुति सुजुकी में मिल जाता है, लेकिन होंडा अमेज में आपको 110 न्यूटन मीटर का मिलता है। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हाँ दोस्तों जब आप इसमें सामान रखेंगे ना सब आपको थोड़ा सा फ़र्क समझ में आएगा, पावर और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, एक एक डिजिट भी। दोनों गाड़ियों में फोर सिलेंडर इंजन लगे हुए हैं, तो आपको नॉइस वाइब्रेशन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, हालांकि होंडा अमेज थोड़ा और ज़्यादा साइलेंट आपको मिल जाता है। माइलेज एक ह्यूज फैक्टर होता है दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर आपको 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिज़ायर देती है, वहीं पर सेम इंजन परफॉर्मेंस के बाद भी आपको माइलेज 18.6 का ही मिल पाता है होंडा अमेज में। तो अगर आप गाड़ी सीख करें ज़्यादा माइलेज वाली, तो डिज़ायर यहाँ पर क्लियर विनर होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क इन दोनों गाड़ियों में देखने मिलता है। वहीं ऑटोमेटिक पर अगर आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर डिज़ायर जो है 24.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जबकि अमेज वहाँ पर सिर्फ 18.6 ही दे पाती है। तो ऑटोमेटिक पे भी अगर जाएं तो भी मारुति ही विनर होती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। बात करें ब्रेक्स की, व्हील्स की, तो डिस्क ब्रेक सामने की तरफ, ड्रम ब्रेक पीछे की तरफ, सभी गाड़ियों में यही चीज़ अभी प्रचलित है दोस्तों। हालांकि कुछ समय में ये भी होना चाहिए कि चारों व्हील जो है डिस्क ब्रेक दिए जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मेंटेनेंस फ्री चीज़ हो जाती है कि डिस्क ब्रेक एक बार लगा दी तो कम से कम 10-12 साल तो आपको देखना नहीं पड़ता है, सिर्फ ऑयल फिलअप करते रहना पड़ता है, वो भी बहुत समय के बाद आप ऑयल फिल करें तो भी चलता है। सो एक ये चीज़ होनी चाहिए कि यार आप डिस्क ब्रेक चारों व्हील्स पर दें। व्हील साइज लगभग दोनों गाड़ियों में सेम है, हालांकि थोड़े से ज़्यादा चौड़े, लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़े व्हील्स आपको मिल जाते हैं डिज़ायर में। 185/65 R15 के व्हील आपको मिल जाते हैं डिज़ायर में, 175/65 R15 के व्हील आपको अमेज में मिल जाते हैं। तो थोड़े से ज़्यादा चौड़े, थोड़े से ज़्यादा ऊंचे, ज़्यादा कुछ नहीं, व्हील मारुति सुजुकी में आपको मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों गाड़ी की पावर एंड परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर क्या है और एंटरटेनमेंट के लिए क्या दिया गया है। सो एंटरटेनमेंट की बात करें, दोनों गाड़ियों में 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम अवेलेबल होता है, साथ में 4 स्पीकर दिए गए हैं, तो आप इसमें रेडियो चला सकते हैं, अगर आप पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं वो आप कनेक्ट कर पाएंगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी दोनों गाड़ियों में मिल जाती है आपको, तो आप गाड़ियों को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मिलता है AHA प्लेटफॉर्म जो कि स्मार्ट प्ले प्लेटफॉर्म होता है डिज़ायर के अंदर, वहीं पर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ट इन मिल जाता है अमेज के अंदर। बात करें दोस्तों दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की, तो सेफ्टी के लिए लगभग सारे फीचर दोनों गाड़ी में अवेलेबल है, जैसे कि ABS यानी कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, साथ में EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाइल्ड लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम देखेंगे कि क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं दोनों गाड़ियों में सेफ्टी के लिए। देखिए दोस्तों दोनों गाड़ियाँ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम के साथ आती हैं, साथ में 2 एयरबैग आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं।
ड्राइवर साइड के लिए भी एयरबैग दिया गया है, पैसेंजर साइड के लिए भी एयरबैग दिया गया है। पैसेंजर्स के लिए पीछे एयरबैग नहीं दिए गए हैं, बट साइड बीम्स की वजह से वो भी सेफ रहते हैं दोस्तों। डोर की अजार वार्निंग, यानी कि अगर कोई दरवाजा खुला है तो उसके लिए वार्निंग आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगी। आपको एडिशनली डिजायर में क्या चीजें मिलती है, वो है ब्रेक असिस्ट। ये अच्छा फीचर हो सकता है, ऑटोमेटिकली आपके जो है ब्रेक काम करते हैं जब भी गाड़ी के सामने कोई चीज आती है। तो ये तो एक चीज आपकी पक्की हो जाती है कि भाई आप खुद से किसी को जाके ठोकने वाले हैं नहीं, गाड़ी कहीं पर आप कोलाइड करने वाले, कहीं पर टकराने वाले तो आप हैं नहीं, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक असिस्ट डला हुआ है। ये चीज आपको अमेज में नहीं मिलती। साथ ही आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं डिजायर के अंदर, रात होते ही अपने आप जो है हेडलैम्प्स चालू हो जाते हैं। सो ये एक बेटर फीचर हो सकता है दोस्तों। अभी देखते हैं होंडा अमेज में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं। ठीक है, पहली बात तो होंडा कहता है ACE बॉडी स्ट्रक्चर ये दे रहा है, यानी कि एडवांस्ड कंपेटिबिलिटी इंजीनियर्ड बॉडी स्ट्रक्चर ये दे रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, तो आपको सेफ्टी काफी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। साथ ही आपको दे रहा है की ऑफ रिमाइंडर, ड्यूल हॉर्न आपको मिल जाते हैं, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक का फीचर इसमें अवेलेबल है। ये चीजें आपको सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा होंडा अमेज में मिल जाती है दोस्तों। सो जैसा कि हमने ओवरऑल देखा, परफॉर्मेंस वाइज दोनों गाड़ियां लगभग सेम है। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा व्हील बेस आपको होंडा अमेज में मिलती है, जो कि आपको ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी। हालांकि बूट स्पेस की बात करें तो 378 लीटर का ही डिजायर आपको दे पा रही थी, लेकिन बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा 420 लीटर का बूट स्पेस आपको अमेज में मिल जाता है, तो यहाँ पर भी आगे निकल जाती है। डिज़ाइन वाइज लुक्स में थोड़ी ज़्यादा रॉयल अभी जो है क्लासिक लुक्स के साथ डिज़ायर मिल रही है। अमेज जो है अभी तक उन्होंने जो स्टार्टिंग में किया था लगभग वही सेम लुक्स के साथ आ रही है, बट देखने में अच्छी लगती है। सामने से ग्रिल के मामले में काफ़ी सुंदर दिखती है, साथ में बूट स्पेस आपको अच्छा मिल रहा है, लेगरूम आपको अच्छा मिल जाता है। सो ये गाड़ी कंफर्ट के मामले में तो ज़्यादा बेटर आपको मिली रही है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों गाड़ियां सेम है, सेफ्टी के लिए दोनों गाड़ियां लगभग सेम है। ब्रेक असिस्ट एक ऐसा फीचर है जो कि मारुति को यहां पर थोड़ा आगे बढ़ा देता है। सो जैसा कि आप देख पाए दोस्तों, हम लोगों ने कंपेयर किया है सारे पॉइंट्स पर इन दोनों गाड़ियों को। आई होप आप समझ पाएंगे आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर कौन सी आपको लेनी चाहिए। ऐसे वीडियोज हम आगे भी आपके लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।